वेलकम टू इलेक्ट्रो जेनेटिक्स, दिस इज सर्किट डिजाइन पार्ट 22। तो इस वाले पार्ट में हम लोग हॉल और मैग्नेटिक सेंसर प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। तो ये हॉल और मैग्नेटिक सेंसर जो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत जगह पे यूज होता है। ये एक्चुअली ये सेंसर क्या करता है, ये सेंसर एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड को, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करके ये सिग्नल जनरेट करता है। और इस सिग्नल को हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक सिग्नल की एक्यूरेसी के लिए। ये मोटर में यूज होता है, ये CPU वगैरह मोटर में यूज होता है। ये जो सेंसर है हॉल सेंसर, ये CPU वगैरह में यूज होता है। तो आपको ये जैसे कि आपको ये डेटा शीट से आप ये पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर है। तो बहुत लोग ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाते हैं कुछ ब कुछ, लेकिन इसके अंदर का स्ट्रक्चर नहीं समझते हैं। तो मैं उन्हीं के अंदर का स्ट्रक्चर समझाऊंगा। जितना देख रहे हैं ये हॉल एलिमेंट, ये ओपेम्प और ये स्मिथ ट्रिगर सर्किट और ये वोल्टेज रेगुलेटर, ये सब का सब इस IC में इस इनबिल्ड है, ये ओपेम्प है। तो ये किस तरह से काम करेगा, ये VCC है, ये GND है, ये OT1 है, ये OT2 है। ये इस IC का ये पिन कॉन्फ़िगरेशन है और इस IC का CYD 270 या 276, इस तरह से इसका मॉडल आता है। तो बहुत सारे मॉडल आते हैं 277 276 नाम से, CYD और XY करके भी नाम से आते हैं। तो ये हॉल और मैग्नेटिक सेंसर प्रोजेक्ट हम लोग किस तरह से काम करेंगे, तो मैं पहले आपको एक कुछ डेमो बताता हूँ। मैं थोड़ा सा हॉल सेंसर एक निकाला हूँ, तो ये हॉल से किस तरह से काम करता है अभी देखिए। अभी ये हॉल सेंसर है, इस बहुत छोटा ही हॉल सेंसर है। तो ये हॉल सेंसर क्या करेगा कि ये देखिए मोबाइल का ये मैग्नेटिक स्पीकर है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ऑन कर लिए, इसमें पावर दे दिए। तो देखिए एक तरफ से जैसे इसको ले जाएंगे तैसे ये ऑन हो गया, और फिर दूसरे तरफ से जैसे इस मैग्नेट को ले जाएंगे ये ऑफ हो गया। ये देखिए ऑन हो गया, ये देखिए ऑफ हो गया, ये फिर से देखिए ये ऑन हो गया, ये फिर से ऑफ हो गया। तो आप लोग देख लिए कि ये किस तरह से काम करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर दे रहे हैं इस सेंसर को, अगर नॉर्थ दे रहे हैं एक साइड से तो दूसरा साइड से अगर नॉर्थ देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। तो एक साइड नॉर्थ फेसिंग है, दूसरा साइड साउथ फेसिंग है। तो ये टॉप जो है, टॉप पे ये जैसे कि ये है, तो एक्चुअली ये अगर यहाँ पे ये अगर एक इसका एक डायरेक्शन का यूज होता है, जैसे कि ये बाहर का डायरेक्शन है। तो अगर इसके ऊपर अगर नॉर्थ आया तो ये एक ऑन हो जाएगा, अगर इसके ऊपर अगर नॉर्थ आया तो ऑफ हो जाएगा। यानी यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ होगा तब ये वाला यहाँ पे नॉर्थ या इसके आगे नॉर्थ है, इसके पीछे साउथ है, तो ये वाला ऑन हो जाएगा। अगर इसके पीछे साउथ, अगर इसके आगे साउथ है, इसके पीछे नॉर्थ है, तो यार टू ऑन हो जाएगा। यानी कि आप एक नॉर्थ पोल लेके आगे पीछे करेंगे तो एक आउट वन वेरिएबल करेगा, और दूसरे में साउथ वन कब जब साउथ पोल करेंगे तो आगे पीछे, तो ये भी आउट, ये आउटपुट टू क्या होगा, ये ऑफ ऑन होगा। तो इसमें दो तारे हैं, बताता हूँ। ये तार है देख रहे हैं, ये VCC तार है, ये OT1 ये OT2 वायर है। तो अभी OT1 और ये VCC1 पे लगा हुआ है। नॉर्थ पोल को हम आगे पीछे करते हैं तो यहाँ पे क्या है, आगे अगर फेसिंग कर रहे हैं तो LED ऑन होगा, पीछे फेसिंग कर दे रहे हैं तो क्या हो गया, ये ऑफ हो जा रहा है। यानी कि अगर आगे नॉर्थ और पीछे साउथ करें तो OT1 काम करेगा, अगर आगे साउथ और पीछे नॉर्थ अगर है तो OT2 काम करेगा। तो इसी तरह से ये हॉल इफेक्ट सेंसर काम करता है। तो इसका अंदर का सर्किटरी किस तरह से होता है, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं मोटर का, जहाँ पे एक्यूरेसी है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में दरवाज़ा वगैरह है तो उसमें भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये आप सेंसर लगा दीजिए इस तरह से, दरवाज़ा हो गया, इस दरवाज़ा में यहाँ पे सेंसर लगा दीजिए, या सेंसर इधर ही लगा दीजिए, ये सेंसर हो गया, और यहाँ पे एक मैग्नेट लगा दीजिए मैग्नेट। अब ये दरवाज़ा जैसे ही खुलेगा तो नॉर्थ से साउथ फेसिंग होगा, तो ये एक सिग्नल जनरेट करेगा। अब ये सिग्नल को कहीं भी यूज हम लोग कर सकते हैं, तो ये दरवाज़ा खुलने पे भी ये सिग्नल जनरेट करेगा। तो इस तरह का प्रोजेक्ट हम लोग बना सकते हैं। तो अभी चलिए इसके अंदर का सर्किट डिजाइन करते हैं किस तरह से काम करता है। इसके अंदर का सर्किट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे VCC यहाँ पे 5 से 12 वोल्ट तक देंगे VCC, और ये बहुत कम एम्पियर पे ये डिजाइन है पूरा IC, ये 250 mA पे डिजाइन है IC, इसलिए ज़्यादा करंट देगा नहीं। आप इसे LED बस सिग्नल ग्लो कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, 1 वोल्ट का सिग्नल। तो पहले यहाँ पे VCC दिए, यहाँ पे ये जो डायोड लगा हुआ है ये प्रोटेक्शन देता है, रिवर्स प्रोटेक्शन यहाँ दे दिया एक डायोड। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर IC इसमें है, क्या करेगा ये वोल्टेज को फिक्स कर देगा यहाँ पे 5 वोल्ट। अब ये वोल्टेज को फिक्स कर दिया, अब ये वोल्टेज 5 वोल्ट ओपेम पे गया। ओपेम क्या करेगा, ओपेम ये हॉल सेंसर से क्या लेगा, डेटा लेगा और इसको एम्पलीफाई करेगा। हॉल सेंसर से क्या लेगा, डेटा लेगा और इसको एम्पलीफाई करेगा। अब ये हॉल सेंसर को भी प्लस माइनस मिल रहा है। अब ये हॉल सेंसर क्या करेगा, यहाँ पे नॉर्थ साउथ इसको डिटेक्ट करेगा और उसके अनुसार डेटा आगे करेगा।
अब ये देखिए, अब इसको हॉल सेंसर को पहचानने आ गया कि नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये डेटा आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ पे स्मिथ ट्रिगर लगा हुआ है। स्मिथ ट्रिगर क्या करता है कि अगर मान लीजिए कि स्मिथ ट्रिगर क्या करता है, अगर ऑन है तो उसको ऑफ कर देगा, जैसे कि ऑफ है तो उसको ऑन कर देगा। तो स्मिथ ट्रिगर क्या करेगा कि अभी देखिए, ये जो स्मिथ ट्रिगर यहाँ से सिग्नल लिया और ये दो को Q1 और Q2 में क्या किया, ये बेस में, बेस का इसका ट्रांजिस्टर NPN का ट्रांजिस्टर में भेज दिया। ये अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक LED लगाएंगे, यहाँ से प्लस सप्लाई देंगे VCC, यहाँ से लेंगे VCC, यहाँ से प्लस सप्लाई लेंगे। तो क्या करेगा, यहाँ से जैसे VCC प्लस सप्लाई लेंगे तो क्या करेगा, यहाँ से जैसे ही नॉट डिटेक्ट होगा तो LED ग्लो करो, अगर फिर ये शॉर्ट डिटेक्ट होगा तो ये LED क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से काम करेगा कि ये एक बार ऑफ होगा, ये एक बार ऑन होगा। स्मिथ ट्रिगर इसी है, ऑफ को ऑन, ऑन को ऑफ कर देगा, स्मिथ ट्रिगर का यही काम है। फिर इसी तरह Q2 में भी सेम रिएक्शन होगा। तो इसका पूरा होल सर्किटिसिटी है, आप लोग इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ये IC है, ये IC आपको मिल जाएगा CPU के अंदर, CPU जो फैन होता है उसके अंदर मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा सर्किटिसिटी है। और ये जो करेंट आपको मिलेगा बस LED ग्लो करने के लिए, ये आपको 250 mA तक की करंट मिल सकता है यहाँ पे आउटपुट पे। तो बस LED ग्लो होगा 1 W का। आपको इसे बड़ा सिग्नल बनाना होगा, तो सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे, जो सिग्नल आ रहा है LED का, इसको हम लोग भेज देंगे, इसको हम लोग भेज देंगे, आगे भेज देंगे। अगर बड़ा हम लोग काम करना है तो थोड़ा उसका भी देख लेते हैं किस तरह से काम होगा। तो इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये जो LED मिलेगा, इसको हम लोग ऑप्टो यहाँ पे LDR लगा के थोड़ा सा और एम्पलीफाई कर देंगे, इसको सेंसिटिव कर देंगे, और यहाँ पे बड़ा ट्रांजिस्टर लेंगे, ये बहुत हाई पावरफुल है। यहाँ रिले लगा देंगे और यहाँ पे अब ये काम बन गया। ये प्लस 12 वोल्ट से चलेगा, ये भी 12 वोल्ट से चलता है, ये पूरा ये वाला सर्किट 12 वोल्ट से पहले चल रहा था, और ये 12 वोल्ट लगाएंगे इसलिए कुछ रेजिस्टर इसमें डाल देंगे। जब 12 वोल्ट से चलाएंगे तो 1K का रेजिस्टर डाल देंगे, 1K का। अब ये LDR क्या करेगा, इसको कपल कर देगा, यहाँ सिग्नल ट्रांसफर होगा, इसको थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देगा, इसको हाईवे चलाने के लिए। ये हाईवे ट्रांजिस्टर है 1 W का, और ये क्या करेगा, ये जो IC है इसको क्या कर देगा, ऑन कर देगा। ये जो आपका यहाँ पे लगा हुआ है ये रिले लगा हुआ, उसको ऑन कर देगा। अब यहाँ से AC भी लगा सकते हैं, AC प्लस माइनस AC ले जा सकते हैं, आगे AC लगा सकते हैं। यहाँ पे AC इस तरह से डाल दीजिए और यहाँ से AC निकाल दीजिए और यहाँ पे लोड डाल दीजिए। यहाँ पे ये AC है, ये न्यूट्रल है, यहाँ से लाके ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से सर्किट आपका काम करेगा पूरा का पूरा।